नाउ वी विल लर्न अबाउट पार्क। अब हम पार्क के बारे में पढ़ेंगे। आप सब शाम को खेलने पार्क में जाते हैं, इवनिंग वॉक के लिए आपकी मम्मा पार्क में जाती होंगी। अब हम पढ़ेंगे पार्क में क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखो कितना प्यारी पिक्चर है पार्क की। बच्चे खेल रहे हैं, एक बच्चा काइट उड़ा रहा है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चलिए अब हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले है फाउंटेन। फाउंटेन हम किसे कहते हैं? हर पार्क में एक फव्वारा लगा होता है जिसे हम फाउंटेन कहते हैं। लेकिन बच्चों, हमें फाउंटेन के पास नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होता है? पानी होता है। नेक्स्ट, काइट। काइट मतलब पतंग। सब बच्चों को पतंग उड़ाना बहुत अच्छा लगता है। देखो ये बच्चा कितने मजे से पतंग उड़ा रहा है। नेक्स्ट, स्लाइड। स्लाइड देखो, स्लाइड पे हम यहाँ से ऊपर जाते हैं और नीचे फिसल जाते हैं। देन थ्रेड। काइट को उड़ाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? थ्रेड की, जिसे हम धागा कहते हैं, मांझा कहते हैं। नेक्स्ट, सैंड पिट। स्विंग। स्विंग मतलब झूला। देखिए ये बच्ची कितने मजे से झूला झूल रही है। देन रोलर स्केट्स। स्केटिंग करने के लिए जो शूज़ पहने जाते हैं उसे हम रोलर स्केट्स कहते हैं। देन बेंच। हर पार्क में एक बेंच होती है जिस पर जब हम खेलकर थक जाते हैं तो बैठते हैं, और भी लोग आकर बेंच पर बैठते हैं। देन सी सॉ। सी सॉ भी क्या होता है? एक झूला होता है जिस पर दो बच्चे बैठते हैं। ये देखो ये बच्ची नीचे हुई तो ये बच्चा ऊपर हो गया, जब ये नीचे होगा तो ये बच्ची ऊपर हो जाएगी। नेक्स्ट, फुटबॉल। हम सब पार्क जाते हैं, फुटबॉल लेके जाते हैं खेलने के लिए। फुटबॉल साइज़ में थोड़ी बड़ी होती है नॉर्मल बॉल के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, क्लाइंबिंग फ्रेम। क्लाइंबिंग फ्रेम एक फ्रेम होता है जिस पर बच्चे चलते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं और यहाँ पर एंड करते हैं। लेकिन बच्चों, जब भी आप क्लाइंबिंग फ्रेम को यूज़ करें तो बहुत ध्यान से यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हमें चोट भी लग सकती है क्लाइंबिंग फ्रेम को यूज़ करते हुए। वेन एवर यू गो टू पार्क, जस्ट गो विद योर एल्डर वन और विद योर मदर और फादर। अकेले पार्क में नहीं जाना चाहिए। अगर आप पार्क जा रहे हैं तो अपने घर के बड़ों को लेके जाइए, या फिर उन्हें बताकर जाना चाहिए।